हाय फ्रेंड्स, मौजूदा फार्म से आपका स्वागत है। आज हम दिखाएंगे फार्म में क्या क्या काम चल रहे हैं, साथ में साफ सफाई और ब्रूडिंग का लिए क्या क्या करना है वो सब दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा एक तार जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पानी का सिस्टम है, यह साइट है, इस साइट आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक दरवाज़ा निकालेंगे, एक गेट निकालेंगे जिसके अंदर से हम बाहर जा सकते, क्योंकि फार्म का उस साइड से घूम के आ रहा था पानी के लिए ऊपर टैंकी पे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट फार्म के अंदर से यहाँ पे जाएंगे तो हमारा थोड़ा फास्ट होगा और जल्दी यहाँ से काम हो जाएगा। इसलिए इस साइड हम एक दरवाज़ा निकल रहे हैं, एक गेट निकालेंगे, फिर इसका साफ सफाई का भी हम दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है। हल्का हल्का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग हो रहा है, यहाँ पे काट के जाली को यहाँ से काट के फिर यहाँ पे एक गेट जैसा बनाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गेट जैसा हमारे यहाँ पे बन चुका है और यहाँ से हम निकलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे गेट बनाया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट हमारा पानी का जो सिस्टम है यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे एक सीढ़ी भी बनाया है क्योंकि पानी का टैंकी के ऊपर जाना है हमें, तो इसलिए हमें एक सीढ़ी भी चाहिए। रस्सी से हम इसे बांध देंगे अच्छी से। तो यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इस सीढ़ी से बम्बू के ऊपर जो लकड़ी है ये लगा रहे, यहाँ पर फट्टे को लगा रहे। लगाने के बाद इससे डायरेक्ट हम पानी के टैंकी के ऊपर दवाई हुई डालने के लिए हम ऊपर जाएंगे। और ये मजबूत भी होना चाहिए क्योंकि बारिश भी आने के बाद ख़राब हो जाता है, और कम से कम एक दो साल तो चलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मजबूत यहाँ पे बन चुका है, ऊपर हम बांध दिए हैं रस्सी से ताकि गिर भी ना जाए उठने टाइम। यहाँ पे आराम से टैंकी पे हम उठ सकते हैं और उठ के यहाँ पर दवाई ववाई डाल सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पर ये क्या है, ये बहुत ही हाइट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें फार्म का अंदर दो मंजिला करने का एक प्लान था, मगर वो फ़िलहाल तो बंद है, मगर इसीलिए टैंकी थोड़ा ऊपर बिठाए गए। यहाँ पे दो तीन लकड़ी लगाया गया था, वो झाड़ बन गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ सफाई यहाँ पे चल रहे हैं। ये पहले तो डिटर्जेंट से इसको अच्छी से फ्रेश किया जा रहा है और धोने के धो के रखेंगे, सूखने के बाद फिर इसे फॉर्मलिन स्प्रे करेंगे। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का यहाँ पर काम चल रहा है रात में, और हमारा जो डब्बा विब्बा है ये सब धो के एकदम रेडी हो चुका है। आपने पहले भी देख लिया, धो लिया और इसको हम लगा दिए। ड्रिंकर थोड़ा धोना बाकी है, ड्रिंकर को नहीं खोले हैं तो यहाँ पे हम ड्रिंकर धो लेंगे। मगर ये छोटा वाला जो है ये भी हमने धो लिया, ये देखिए धो के रखा हुआ है सेम वही। और छोटे वाले को हमने फॉर्मलिन पानी में उसको डुबाया, पहले डिटर्जेंट से उसे साफ करके फिर फॉर्मलिन का जो पानी है उसके अंदर हमने उसमें किया। हम के अंदर नीचे जो चूना भी ना मारना था वो हो गया काम, कल तक सूख जाएगा। यहाँ पे ब्रूडिंग का जो घेरा है वो हमने बना लिया, यहाँ पे पांच घेरा बनाया है। और यहाँ पे लकड़ी का जो बुरादा है वो डाल रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं लकड़ी का बुरादा डाला हुआ है। और इसको हमने प्लेन भी करके प्लेन कर, ऐसे प्लेन करके रख देना है और उसके ऊपर पेपर डाल देना है। फिर छोटा छोटा पानी का जो है वो डाल देंगे। साइड से कपड़ा से हमने घेर दिया है, अभी भी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ा है तो कपड़े से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर पूरा राउंड करके घेर के रखा हुआ है और अंदर बुरादा डाल के फिर उसे सपाट किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए बुरादा डाल दिया है पूरा। तो यहाँ पे बुरादा डालने के बाद इसके अंदर बुरादा नहीं डाला हुआ है, कुछ कुछ अंदर डाल दिया है और कुछ कुछ नहीं डाला है, तो इसके डाल के ब्रूडिंग यहाँ पे किया जाएगा। और पीछे अगले जो होगा वो अगले वाले वीडियो में हम दिखाएंगे अच्छी से। तो फिलहाल तो इतना ही इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेडिसिन के बारे में भी हम पूरा जानकारी आगे पीछे देते रहेंगे, वैक्सीन के बारे में जानकारी।